हम ज्यादा जुड़े, क्योंकि आप सब पढ़ो तो आप जानो कि भारत में आपकी भाषा छोड़ सबने मान्यता मिलेगी। भारत में प्रताप भी आपको फोटो लगा रखे हैं, पर जिन भाषा मारना प्रताप लोग साहित्य लिख रहे हैं भाषा मान्यता नहीं है। मैं अभी दो जगह पीछे कहूँ तो आप लास्ट पीढ़ी है जबकि भाषा की मान्यता ले सकें, अगली पीढ़ी तो भाषा आई कोई आई कौन जी खातर कोई संघर्ष ही कौन कर सी। भाषा रे मरना रो मतलब है मेरे इतिहास मरना और मेरी संस्कृति मरना। युवा हो रही यदि कोई आंदोलन में भाग नहीं लेवे तो युवा होना दूर है ना। एक बहुत बड़ा अंग्रेजी कवि है, मेरी बहुत अच्छी लाइन है कि काश मैं फ्रांस की क्रांति रे टाइम जीऊं तो हूं तो, पर काश मैं उन टाइम युवा हूं तो, यदि उन टाइम में पैदा हो रहा हूं तो उन टाइम में युवा हूं तो मैं फ्रांस की क्रांति में भाग ले हूं तो भी आज मुझे रिग्रेट हो कि मैं फ्रांस की क्रांति के टाइम जीव तो क्यों बनी। तो आप अपने जिंदगी में रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि आप भाषा खातर कोई आंदोलन नहीं करें। हो ही जो पच देगा सरकार का ही करी का ही नहीं करी। राजतंत्र और टाइम आया करो जो कहूँ तक माथा कटावना पड़े, लोकतंत्र को मतलब है माथा गिनावना पड़े। जितना लोग भेड़ा हो सरकार को जितने दबाव पड़े, 18 तारीख को मैं आऊँ और खूब बड़ा बड़ा लोग आए, आप सोचो आप अपनी भाषा का कहीं कर सका वो आगे अपन करना है। पर सब पहले तो एक बार भेड़ा हुआ ताकि सरकार पर दबाव बना सका कि ओ यहाँ आंदोलन चालू है। मैं बिना जोधपुर में